नमस्कार सत्यराम, मेरी रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अलग अलग तरह के जो हमारे उसके मैदा के जो पपड़ियाँ होती है वो बताने जा रही हूँ। आप उनको सांखे भी बोल सकते हो, मठरी भी बोल सकते हो और पपड़ी भी बोल सकते हो। तो उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर मैदा, अजवाइन मैंने लिया है, कसूरी मेथी ली है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको इसका टेस्ट पसंद हो तो आप डाल सकते हो। और यहाँ इसके अलावा आप हरा धनिया काट के भी डाल सकते हो। इसके लिए मैंने लिया है नमक, हल्का छोटा सा मैं लूँगी एक चिमटी मीठा सोडा और तेल। इसमें हम मैदा के अलावा सूजी भी ऐड कर सकते हैं और हम आटा भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसका डो बनाएंगे। अलग अलग प्रकार की मठरी या इसको नमक पारे भी बोलते हैं, सांखे भी बोलते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैं सबसे पहले ले रही हूँ मैदा। ये मैंने 1 किलो मैदा लिए। यहाँ पर एक छोटी कटोरी में सूजी मिला रही हूँ। आपको बताती हूँ मैं कितनी छोटी कटोरी मिला रही हूँ। देखिए गाइज, ये ऑप्शनल है, आपको अगर करारे नमक पारे पसंद है तो आप सूजी मिलाइएगा। ये देखिए छोटी कटोरी में सूजी मिला रही हूँ। और ये हमारा जो आटा है ये नॉर्मल है, ना तो ज़्यादा बारीक पिसा हुआ है ना ज़्यादा मोटा पिसा हुआ है। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप मैदा के ही बनाना चाहते हो तो केवल मैदा का ही आटा आप लगा सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर देखिए आटा मिला रही हूँ, क्योंकि मैदा हमारी आंतों में जाके चिपक जाता है। तो आटा जो है वो नमक पारों के लिए बेस्ट है। ये करीबन 3 कटोरी मैंने यहाँ पर आटा मिलाया है। ये देखिए, इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे डाल रही हूँ अजवाइन। आपको अगर जीरा या सौंफ का टेस्ट पसंद हो तो आप डाल सकते हो, बट नमक पारे हैं अजवाइन से ही बनते हैं। और अजवाइन हमारी भोजन को पचाने में मदद करती है। इसमें मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी, आप इसकी जगह हरा धनिया भी यूज कर सकते हो। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा इस तरीके से लेके, आप इस तरीके से चूरा करके आप इसमें डाल सकते हो। स्वाद अनुसार मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। इसमें मैं हल्का सा मीठा सोडा डाल रही हूँ, आप चाहो तो डालिए, ये ऑप्शनल है। इससे खस्ता बनती है हमारी मठरी। मैदा बहुत गरिष्ठ होता है इसको पचाने के लिए। इसमें हमने अजवाइन डाली है। ये मैं मोयन के लिए तेल डाल रही हूँ, करीबन मैंने 1 कटोरी यहाँ पर तेल डाला है। ये देखिए, अब मैं इसको अच्छे से आटे को मैश करूंगी। ये देखिए इस तरीके से पूरे आटे को मैं मैश करूंगी। गाइस, अगर आपको ये नमक पारे थोड़े से आपको इस तरीके के चाहिए कि थोड़ा सा आपको चरकापन महसूस होए, तो आप आधा टेबल स्पून इसमें मिर्ची पाउडर डाल सकते हो। बट मैं यहाँ ये देखिए इसी तरीके के बना रही हूँ, नमक के ही बना रही हूँ। ये अच्छे से इसको मैं मैश कर रही हूँ। ये देखिए हमने इसको अच्छे से मैश कर लिया है। आप चाहो तो दोनों हाथों का आप इसमें उपयोग कर सकते हो। देखिए इस तरीके का हमारे पास आटा हो गया है, देखिए तेल की वजह से। और अब हम इसमें पानी डालते जाएंगे और आटे का डो लगाते जाएंगे। देखिए आप इसमें दही का उपयोग भी कर सकते हो, दही ना हो तो छाछ का भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर पानी का ही उपयोग कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लगा लगा के साइड में रखती जा रही हूँ मैं। इसका डो न तो ज़्यादा टाइट लगता है न ही ज़्यादा पतला लगता है, पूड़ी का डो जैसा होता है वैसा डो हमें इसका लगाना है। ये देखिए
इस तरीके से मैंने ये दो बना के अलग रख दिए हैं और अब मैं इसका तीसरा पेड़ा बना के अलग रखूंगी। ये देखिए ये डो हमारा बन के तैयार है। अब ये जो हाथों पे लगा हुआ है उसको हम छुड़ा लेंगे, देखिए। और अब हम यहाँ पर थोड़ा सा तेल डालेंगे, ये देखिए करीबन इतना मैं एक चम्मच तेल डाल रही हूँ। और इसको सारे डो को हम इस तरीके से तेल में चारों तरफ लगा लेंगे, देखिए तेल इसके लग गया है। और अब इस आटे को हम थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो इसके लिए आप इस पर एक थाली ढक सकते हो। हम इससे बड़े से छोटा कटोरा ले रहे हैं और इसको हम रेस्ट करने के लिए कम से कम भी आधा घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। देखिए गाइस अब हम चेक करेंगे, करीबन आधा घंटा हो चुका है कि देखिए डो हमारा सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसको किसी और बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे और ये पोर्शन मैं तोड़ूंगी, देखिए। और इसको हमें ढककर रखना है, ये देखिए ये सूखना नहीं चाहिए। इसके ऊपर हमने दूसरा बाउल रख दिया है और ये बड़ा है, इसमें आटा अच्छे से मैश होता है, इसलिए मैंने ये वाला लिया है। अब हम थोड़ा सा तेल लेंगे और इसको अच्छे से इस तरीके से ये देखिए ये लोया हमारा बनके तैयार हो चुका है। आप चाहो तो इतने ही साइज का बड़ा लोया लेके आप बेल सकते हो, नहीं तो आप इसके दो पोर्शन आप कर सकते हो। देखिए ये देखिए ये डो हमारा तैयार है। आप इस तरीके से दो पोर्शन करिएगा और इस तरीके से लोया बनाइएगा, ये देखिए। और अब हम हमारे जो नमक पारे हैं जिनको सांखे भी बोलते हैं, मठरी भी बोलते हैं वो, और इसको खाजा भी बोलते हैं, वो हम बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए ये आटा है, इस पे हम तेल लेंगे, ये देखिए, और नीचे जमीन पे हम तेल डालेंगे। आप चाहो तो इसको किसी थाली के पे भी आप बेल सकते हो, आपका चकला बड़ा है तो आप चकले पे बेल सकते हो। मैं यहाँ पर स्लैब पे बेल रही हूँ और जो बेलन है हमारा ये देखिए इस तरीके का घुमाने वाला है, तो इससे इजी वे में हमारे हाथों पे कंधों पे जोर नहीं आता और फटाफट से ये बेल जाता है। देखिए मैं बताती हूँ अभी, ये तेल लगा लिया है मैंने और अब हम इसको बेलेंगे। ये देखिए एक बार में ये कितना लंबा हमारा हो गया है, देखिए इसको न तो पलटने की जरूरत है हमें। ये देखिए अब हम इसके अलग अलग तरीके के किसी भी तरीके के आप नमक पारे बना सकते हो। गाइस हमने लोया बना के और ये तरीके से हमने एक पतली सी बड़ी सी रोटी बेल ली है और अब हम इसके ऊपर तेल लगाएंगे अच्छे से। आप चाहो तो यहाँ पे बटर भी लगा सकते हो, घी भी लगा सकते हो आप। ये देखिए ये मैंने तेल लगा लिया है और अब मैं इसके ऊपर आप चाहो तो मैदा भुरक सकते हो। मैं ये देखिए आटा भुरक रही हूँ उस पर, ये देखिए ये अच्छे से मैंने भुरक दिया है और अब मैं इसको यहाँ से मोड़ूंगी। देखिए जैसे चौकोर पराठा बनाते हैं उस तरीके से बनाना है, ये देखिए। और इधर से भी मैं इसको मोड़ रही हूँ, ध्यान से देखिए गाइस आप, इसको बराबर शेप में दूंगी। देखिए ये बराबर शेप में हो गया, इधर से और इधर से इक्वल हो गया। अब मैं फिर से तेल लगाऊंगी,
ये ग्रीस हमें अच्छे से करना है। फिर से मैं ये देखिए आटा बुरक रही हूँ यहाँ पे। इससे हमारी जो मठरी की लेयर है, जो खाजे हम बना रहे हैं, आप नमक पारे भी इनको बोल सकते हो और आप इसको सांखे भी बोल सकते हो, इसमें अच्छी लेयर आएगी। ये देखिए इस तरीके से मैं इसको मोड़ रही हूँ और इधर से भी मैं इसी तरीके से इक्वल साइज कर लूँगी। ये थोड़ी बड़ी साइज मेरी हो गई है, इसको मैं बराबर करके इक्वल कर रही हूँ। ये देखिए इक्वल हो गई है। अब फिर से मैं इसके ऊपर तेल लगाऊंगी। फिर से मैं इसके ऊपर आटा भुरकूंगी। देखिए, और इसको मैं यहां से इस तरीके से फोल्ड कर दूंगी। देखिए, ये आप देख सकते हो किस तरीके का हमें मिला है। अब आप चाहो तो इसी को आप काट सकते हो, और आप अगर ऐसे ना चाहो तो आप इसको रोल रोल कर लीजिएगा इस तरीके से। ये देखिए, अब हम इसको काटेंगे। काटने के लिए मैंने नाइफ ले लिया है, इसके तेल लगा लिया है, इसको इस तरीके से हम काटेंगे। देखिए आप, इतनी मोटाई हमें रखनी है इसकी। फिर से हम तेल लगाएंगे। ये इसको जब हम तेल लगा लेते हैं, चिकना कर लेते हैं नाइफ को, तो ये आसानी से कट जाता है। आप चाहो तो पिज्जा कटर से भी आप इसको काट सकते हो। ये देखिए, ये एक लेयर बिखर गई है। देखिए लेयर आ रही है हमारी। ये इस तरीके से काट के मैं सारों को रख लूंगी, और इसी तरीके से मैं जो सारा मेरा आटा मैंने डो लगाया है उसके बना के मैं कंप्लीट कर लूंगी। ये देखिए, ये हमें इस तरीके का शेप मिला है एक। ये देखिए, आप चाहो तो इसी को आप फ्राई कर सकते हो। ये देखिए, आप लेयर देख सकते हो, ये बिखर गई हमारी। आप बिखर जाए तो आप डरिएगा नहीं, आप इसी के ऊपर लपेट दीजिएगा इस तरीके से। देखिए, या तो आप इस तरीके से करके इसको हाथों से इस तरीके से करके आप इसको तल सकते हो। ये देखिए, और अगर आप ऐसे ना करो तो आप इसको इस तरीके से, देखिए आप ध्यान से देखिए, हमें इस तरीके से यहाँ से दबाना है। ये देखिए, ये लेयर हमारी आ गई है सारी, और इस पर हमें तेल लगाना है दोनों तरफ, और हल्का सा हमें बेलन की सहायता से बेल देना है। ये देखिए, इस तरीके से मैं बना बना के यहाँ पर रख लूंगी। मैं इनको हाथों से ही करने वाली हूँ। ये दबा दिया है मैंने, फिर से मैंने ये वाली उठाई। ये हमारी बहुत ही मस्त बनने वाली है। ये देखिए, ये देखिए आप, हल्के से हाथों से मैंने इसको दबा दिया है। आप बेलन की सहायता से भी कर सकते हो। ये देखिए, आप एक एक परत आप देख सकते हो इसके अंदर। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये देखिए आप कितनी सारी परत हमारी है। और गैस पर मैंने तेल चढ़ा दिया है, और इसी तरीके से मैं ये सारी बना के कंप्लीट कर लूँगी। देखिए गाइस, ये हमने सारे बना के कंप्लीट कर लिए हैं, और ये देखिए तेल हमारा गरम हो गया है। तेल को मैंने सिम कर रखा है। मैं चेक करूंगी कि तेल हमारा हुआ कि नहीं, उसके लिए मैं देखिए थोड़ा सा मैंने डाला है तेल, थोड़ा मेरा ज़्यादा गरम हो गया है, थोड़ा मैं इसको ठंडा होने का वेट करूँगी। देखिए गाइस, ये तेल हमारा गर्म है, और अब हम ये हमारे जो बनाए थे इनको हम डालेंगे। ये बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर तले जाते हैं। देखिए, बिल्कुल मस्त हमारे ये बनने वाले हैं, बच्चों को बहुत ही पसंद आएंगे।
करीबन 7-8, मैं एक साथ डाल रही हूँ। आप चाहो तो बर्तन आप बड़ा ले लीजिएगा, कढ़ाई ले सकते हो। और मैं ये एक बार में डालूंगी। अब मैं इनको थोड़ा सा फ्राई होने के बाद उल्टा करूंगी। गैस को बिल्कुल सिम कर रखा है मैंने। ये देखिए गैस, ये अब गोल्डन ब्राउन होने लग गए हैं। हम इनको उलट देते हैं। ये इसको बनाने के लिए बहुत पेशेंस की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप अधीर हो उठोगे और गैस को तेज कर दोगे तो ये हमारे कच्चे बनेंगे, आपको खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। अगर आपको करारे चाहिए तो आपको गैस की फ्लेम में बिल्कुल लो रखनी पड़ेगी। करीबन ये एक घान को जो ये मैंने डाले हैं, इसको गैस घान बोलते हैं, तो करीबन इनको मुझे सेकने में ही 12 मिनट या 15 मिनट लग जाएंगे। देखिए, इसको बनाने में जितना टाइम नहीं लगता उतना इसको तलने में लगता है। और अब मैं ये दूसरी साइड इधर से तलने दूंगी। मैं करीबन 2-3 बार इनको पलट चुकी हूँ और उसके बाद में मैं इनको बाहर निकाल लूँगी। देखिए आप, ये कलर इनका गोल्डन ब्राउन होने लग गया है। 2 सेकंड में इसको बाहर में निकाल लूँगी। ये देखिए, ये गोल्डन ब्राउन हो गई है और अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। हम निकालने के लिए इसका उपयोग करेंगे गाइस, एक साथ में इनको सबको निकाल लूंगी। देखिए आप इस तरीके से निकाल सकते हो और इस तरीके से तेल को झाड़कर आप किसी टिश्यू पेपर पे भी इसको डाल सकते हो। ये सारा तेल मैंने झाड़ लिया है। देखिए आप, इनकी लेयर देखिए आप कितनी अच्छी हमें दिख रही है। आप एक एक लेयर इसकी गिन सकते हो। देखिए, ये आप किसी त्योहार पे, रक्षाबंधन, होली, दीपावली पे आप बना सकते हो, अपने गेस्ट को सर्व कर सकते हो। बच्चे भी इसको सॉस से खाना पसंद करते हैं, छोटे बड़े सभी को ये बहुत ही पसंद आती है। और अब इसी तरीके से मैं ये जो दूसरी है उनको मैं डाल रही हूँ। थोड़ी और हमारी अभी बची हुई है। गैस को मैंने सिम ही रख रखा है। ये देखिए, गैस की फ्लेम जो है वो स्लो है बिल्कुल, और इसको धीरे धीरे आहिस्ता हमें डालना है। तेल का छींटा आपके ऊपर गिर भी सकता है, तो केयरफुली आप इसको तेल के अंदर डालिएगा। और अब हम इसको पलटने के लिए थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा अभी सीखने देते हैं हम एक साइड। ये देखिए, अब मैं इसकी साइड चेंज करूंगी। ये देखिए, केयरफुली हमें धीरे धीरे इसकी साइड चेंज करनी है क्योंकि ये इधर की साइड से सीख चुके हैं। ये देखिए, और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक मैं तलूंगी। ये देखिए आप इनकी लेयर देख सकते हो, आप कितनी मस्त हमारी लेयर आ रही है। आप इनकी लेयर गिन सकते हो, एक एक लेयर हमारी देखिए कितनी मस्त है। और इस तरीके से आप इनको बना सकते हो। देखिए गाइस, ये हमारी बनके तैयार है सारी। ये देखिए, ये गोल चक्री जैसी मैं इसके ऊपर रख रही हूँ। देखिए, और ये कितनी हमारी मस्त बनी है आप देख सकते हो, और कितनी ये क्रंची है मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, आपको आवाज आई होगी, बहुत ही क्रंची है ये हमारी बनी है। ये देखिए, मैं तोड़ के बताती हूँ, और अगर आप एक बार ट्राई करोगे तो आपको ये ज़रूर आ जाएगी। तो आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, किसी भी त्यौहार पे आप बना सकते हो। दीपावली पास में आ रही है, आप एक बार बनाकर ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ गाइज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स भेजिएगा, शेयर भी कीजिएगा,
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक्स अ लॉट गाइज.